हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो फिर से मैं एक नई वीडियो में आपके साथ हाजिर हूँ। मेरा नाम विनोद कुमार और आप देख रहे हैं टेक्निकल वीके 9 चैनल। तो भाई चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है गाइस, जैसे बिड आईक्यू को आपने नहीं जानते हो, अगर आप एक यूट्यूबर हो, अगर आप बिड आईक्यू यूज़ नहीं करना आता, उसमें टैग या टाइटल नहीं लगाना आता डिस्क्रिप्शन, तो ये आज की वीडियो जो है उस पर बिड आईक्यू जो फुल ट्यूटोरियल होने वाली है। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। हाँ गाइस, हमारा बिड आईक्यू से क्या है, जैसे किसी चीज़ का हम टेस्ट करते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारे कितने नंबर आए हैं और कितने परसेंट हमारी कॉपी अच्छी लिखी हुई है। वही अगर आप वीडियो शूट करते हैं तो आप देखना चाहते हैं कि हमने कितने परसेंट वीडियो को अच्छे तरीके से पब्लिश करने के लिए तैयार किया है, कैसे बनाइए कैसे नहीं बनाइए। ये बिड आईक्यू टेस्ट हमारी वीडियो को जो बताता है, कैसे बताता है, वो मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस, मैं आज बिड आईक्यू के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आप वीडियो बनाते हो उसमें टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग कैसे बनने होते हैं, कैसे नहीं बनने होते हैं, जैसे कि हमारी वीडियो को वीडियो वायरल हो और उससे हमें काफ़ी बेनिफिट भी मिलता है। तो आप चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, मैं आपको सिखाता हूँ कि बिड आईक्यू टैग कैसे यूज करते हैं। हम अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब आपको अपने प्ले स्टोर से एक बिड आईक्यू ऐप इंस्टॉल करना होता है। जैसे कि मेरे फ़ोन में ये है बिड आईक्यू ऐप, मैंने पहले ही अपने फ़ोन से जो है इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं सारी वीडियो जैसे भी अपने शूट करता हूँ तो पब्लिक करने से पहले मैं अनलिस्ट में ही सब कुछ इसमें चेक करता हूँ कि मेरी वीडियो जो है कितने परसेंट अच्छी है और कितने परसेंट ख़राब है। तो बिड आईक्यू को आपको ओपन कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो इस तरीके का इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या करना है, बिड आईक्यू आपके चैनल को जो तीन आइडिया, तीन टॉपिक पर आइडिया देता है कि आपको इस तरह से वीडियो बनाओगे तो आपके चैनल पर जो कंपटीशन कम है, ये सब कुछ उसके बारे में बताता है आपको। तो गाइस, यहाँ डेली आइडियाज़, इस पर आप देखोगे तो जैसे मुझे तीन आइडिया इसने जो प्रोवाइड किए हैं, जैसे वॉइस एडिटिंग करना सीखें तो यहाँ पर जो आपको सेव कर लेना है। जैसे कि अगर इन टॉपिक पर वीडियो बनाते हो तो आपकी वीडियो वायरल होने के चांस अधिक रहते हैं। तो आज ये डेली आइडिया आपको, डेली आइडिया तीन आइडिया डेली आपको देता है कि इन टॉपिक पर आपको वीडियो बनाना है। तो एक तो आपकी सिडल्टी ये ख़त्म हो गई कि आपको सर्च करना पड़ता था कि यूट्यूब पर वीडियो किस टॉपिक पर बनाए। तो हाँ गाइस, ये आपको अब डेली तीन टॉपिक पर आइडिया देता है, आपको यहीं से वीडियो जो है बनानी होती है। फिर अपनी वीडियो को ऑप्टिमाइज करने के लिए यहाँ पे ऑप्टिमाइज वाले ऑप्शन पर टिक करना है। तो जैसे ही टिक करोगा, मैं इस पर जो है ये वीडियो मैंने कल शूट की थी, तो यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को अनलिस्ट में चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो कितने परसेंट क्या सही है और क्या सही नहीं है। तो सीओ करने का सबसे बेटर तरीका जो है बिड आईक्यू ऐप है। तो ये देखिए, मेरे 50 में के 42% नंबर आए हैं, तो मेरा जो है टैग ये काउंट नहीं हुआ, इसलिए मेरे 8 नंबर स्कोर जो है कट गए हैं। ये आपकी स्कोरिंग को पूरी तरीके से दिखाता है, परफॉर्मेंस कितनी है ये भी आपको दिखाता है। अब फिर यहाँ पे आप चेक लिस्ट में का नंबर देख सकते हैं कि कहाँ आपकी गलती है। तो ये टाइटल लेंथ, तो बिड आईक्यू कहता है कि आपको 60 वर्ड का जो है टाइटल लेंथ होना चाहिए, लेकिन मैंने टाइटल जो है लॉन्ग कर दिया उसका। डिस्क्रिप्शन 5000 वर्डों का मांगता है, फिर टैग लेंथ है, फिर क्लोज ऑप्शन मेन्यू, फिर पब्लिक मेड, फिर अगर फेसबुक पर आप, ये हमारा रेडधारी इसलिए आ रही है क्योंकि हमने इसमें फेसबुक का लिंक नहीं डाला है, और हमारी सारी ग्रीन जो है एरो दे रखी है। तो हमारी वीडियो काफ़ी हद तक जो है हमने चेक करा, तो इसमें हमारा एक तो ये टेस्ट गलत आ रहा है और एक ये टेस्ट आ रहा है गलत। तो देखो, इस टैग को जो टाइटल लेंथ को कैसे सही करना है, यहाँ पे अभी ग्रीन का निशान हो जाएगा, तो आपको क्या है एडिट वाले ऑप्शन पर टिक करना है। तो जैसे इस पर टिक करोगे तो यहाँ पर जो आपको 60 वर्डों में इसे लिखना है, तो 60 वर्डों में जैसे ही आप 60 वर्डों के कर दोगे तो आपकी जो ग्रीन लाइन जो है वो बिल्कुल ही ग्रीन हो जाएगी जो रेड है वहाँ पर। तो गाइस, यहाँ से जो फिर आप चेक कर सकते हो कि हमारा हुआ या नहीं हुआ। तो गाइस, वो मेरा जो टाइटल लेंथ है ये यहाँ पे जो 60 नंबर का मांगता है कि आपका जो है 20 से 60 करेक्टर टू अट्रैक्ट यूज़र इंक्लूड द कीवर्ड यू वांट और रैंक ऑफ द फाउंड इजीली ऑडियंस, मतलब 60 वर्ड, 20 से 60 वर्ड के अंदर आपको टाइटल लिखना होता है तो वो टाइटल आपका जो है बेटर होता है। तो गाइस, यहाँ से जो आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। गाइस, कमेंट में ज़रूर बताना ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप फुल ट्यूटोरियल इस पर देखना चाहते हो तो एक वीडियो की मैं एडिटिंग करके आपको दिखा दूंगा। इस मुझे एक कमेंट करना ताकि मैं आपकी
लिए एक वीडियो इस पर एडिटिंग की लेकर आऊँ। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।